उत्तर प्रदेश की गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें जीत को लेकर सभी पार्टियां आश्वस्त नजर आ रही हैं। एक तरफ सीएम आदित्यनाथ योगी दोनों सीटों पर जीत का दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर लोगों से अनुरोध किया कि वो पोलिंग बूथों पर पहुंचे और बीजेपी का भ्रम तोड़कर नया इतिहास रचे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी के साथ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव काफी गदगद हैं, उनको अपनी जीत पक्की लग रही है, इसीलिए तो उन्होंने जीत का दावा ठोकते हुए ट्विटर पर लिखा कि आज का दिन इतिहास बदलने का है और नया इतिहास बनाने का भी। सबको साथ लेकर निकले और दिखा दे कि हमारी एकजुटता में कितनी ताकत है। इसके नतीजे देश प्रदेश के भविष्य के लिए क्रांतिकारी और निर्णायक साबित होंगे। अपने ट्वीट में अखिलेश ने लोगों से अपील की है कि वोट डालने पहुंचे और नया इतिहास बनाए, क्योंकि जनता के वोटों पर ही सपा बसपा की दोस्ती का भविष्य तय होगा। अगर दोनों पार्टियों की साझेदारी उपचुनाव में कमाल कर जाती है तो जाहिर तौर पर सपा बसपा ये फॉर्मूला 2019 में भी आजमाएगी। लेकिन अखिलेश यादव की अपील को जनता कितना सुनती है और कितनी अहमियत देती है, ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।